पिछले दिनों सोशल मीडिया में और पूरे देश में एक मुहिम देखने मिली और अभी भी वो मुहिम चल रही है कि हिंदू देवी देवताओं का अपमान बंद किया जाए, हिंदू देवी देवताओं का, सनातनी देवी देवताओं का अपमान क्यों हो रहा है, शिवलिंग का अपमान क्यों हो रहा है, लगातार ये मुहिम चल रही है। अभी अफगानिस्तान में बम धमाका हुआ तो एक मीम भी आया, एक फोटो आई, उसमें एक सरदार जी कुछ मुसलमानों को शरबत पिला रहे हैं, पानी पिला रहे हैं, जो भी पिला रहे हैं, और उस फोटो के ऊपर ये लिखा हुआ है कि भाई आप लोग गुरुद्वारा तोड़ते तोड़ते थक गए होंगे, थोड़ा सा रूह अफजा पी के तरावट ला लो, उसके बाद फिर से आराम से गुरुद्वारा तोड़ना। तो लोगों ने जो गुरुद्वारा टूटा उसके लिए दोषी सिखों को ही बताया कि भाई जो आपका गुरुद्वारा तोड़ रहा है आप उसी को लंगर खिला रहे हो, उसी को शरबत पिला रहे हो। अब सनातनी देवी देवताओं का अपमान क्यों होता है? वर्तमान महाराष्ट्र घटनाक्रम जो चल रहा है, विधायकों की खरीद फरोख्त, या असम में ले गए, गुवाहाटी ले गए, इधर 2500 बातें चल रही, राजनीतिक उठापटक है, राजनीति में ज्यादा पोस्ट में डालता नहीं, राजनीतिक उठापटक चल रही। लेकिन इस घटनाक्रम में जो मुझे आश्चर्यजनक बात लगी और झकझोर देने वाली बात लगी और हिंदुओं की तरफ से लगी वो ये थी कि अभी भी कंगना रणावत को हिंदू शेरनी के रूप में आप पेश कर रहे हैं। मतलब हिंदुओं के कैसे कैसे आपने आइडल बना रखे कंगना रणावत को, सिखों को खुद आप दोषी बता रहे हैं। आपने क्या किया भाई? हिंदू देवी देवताओं का अपमान क्यों होता है? जिस मुनव्वर फारूकी ने भगवान श्री रामचंद्र जी, माता सीता पर इतनी अपमानजनक बातें कही, जिसका वीडियो मौजूद है, इतना मखौल उड़ाया, गंदे से गंदे शब्दों का प्रयोग किया, आप देखिएगा इंग्लिश में उसने कैसे बातें की, वो मुनव्वर फारूकी भगवान राम को गाली गाली देते 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 थक गए उसके होंठ, परेशान हो गया बेचारा। तो कंगना रणावत ने उसको लॉकअप के अपने शो में बुलाया और उसके थके हुए होठों को एक चुम्मी दी कि भाई राम भगवान को गाली देते हुए, माता सीता को गाली देते हुए तेरे होठ, तेरी जबान थक गई होगी, तो एक चुम्मी ले ले, उसको गले से लगाया, उसको प्राइस दिया, 25 लाख की कार दी, फॉरेन टूर दिया कि अब तू रिलैक्स हो गया, अब खुल के और गाली दे। उस कंगना रणावत को तुम अभी भी अपने आइडियल बना के रखे हो, उसकी क्लिपिंग्स डाल रहे हो कि उसने उद्धव ठाकरे को बोला था कि तेरा घर टूटेगा, तूने मेरा घर तोड़ा। यानी जो भगवान राम को गाली दे उसका आशीर्वाद और श्राप लगता है ये मानने वाले हिंदू ही है, तो हिंदू देवी देवताओं का अपमान क्यों नहीं होगा यार? मतलब कुछ अकल बची है कि सब सब खत्म हो गया है? और वो भी अल्ट वाला जी का वो शो था, वो एकता कपूर का शो था, जिसके बारे में आर्मी वालों ने कहा है कि अल्ट वाला जी और इनके ऐप का, इनकी फिल्मों का आप लोग बहिष्कार कीजिए, क्योंकि उसने दिखाता है, क्या दिखाता है, ससुर का बहू के साथ संबंध है, हैं, देवर का अपनी भाभी के साथ संबंध है, जो आर्मी में फौजी गए हुए हैं उनकी पत्नियां अवैध संबंध बनाती हैं। आर्मी वालों ने मना किया, बहिष्कार करने की अपील की। वो अल्ट बालाजी एक शो बनाता है, उस शो को होस्ट कंगना रणावत करती है और भगवान राम माता सीता को गाली देने वाले मुनव्वर राणा को गले लगा लगा के वो विनर बनाती है। और वो कंगना रणावत आज भी महाराष्ट्र घटनाक्रम के बाद, ये राजनीतिक घटनाक्रम के बाद, सारे राष्ट्रवादी अधिकांश मैं देख रहा हूं कंगना रणावत की यार वीडियो डाल रहे हो तुम लोग। मतलब क्या संदेश देना चाहते हो? सब फिर बोलते हो कि हिंदुत्व का अपमान होता है, देवी देवताओं का अपमान होता है, सरदार उनको पानी पिला रहे हैं, सिख उनको पानी पिला रहे हैं, तुम भी उन होठों को क्यों पप्पी ले रहे हो, क्यों किस कर रहे हो, क्यों चूम रहे हो जो राम जी को गाली दे रहे, सीता माता को गाली दे रहे? नहीं पूछना फिर क्यों अपमान होता है हिंदू देवी देवताओं का? शर्म आनी चाहिए जो लोग कंगना रणावत को आज, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं अभी मैं देख रहा हूं फेसबुक में, सोशल मीडिया में, कोई अचानक राष्ट्रवादी कवि बन गया है, राष्ट्रवादी लेखक बन गया है, राष्ट्रवादी फिल्मकार बन गया है, राष्ट्रवादी एंकर बन गया है, राष्ट्रवादी ब्लॉगर बन गया है। इनका इतिहास उठाकर देखिए, ये सब हिंदू धर्म को गाली देते थे, सनातन देवी देवताओं को गाली देते थे, और अभी मोदी और योगी सत्ता में है तो ये लोग अभी थोड़ा भाई
अभी हिंदू राष्ट्र और हिंदुत्व का और राष्ट्रवाद का माहौल, इसमें भी थोड़ा नोट कमा ले। अभी भगवान ना करे कहीं सत्ता बदल जाती है, लोग सब हैलेलुया बोलेंगे, इनके सब कंटेंट बदल जाएंगे, और इनको आप हिंदू हृदय सम्राट बना लेते हो। अभी ये लोग जो कह रहे हैं इनके आप वीडियो सेव करके रखिए, मैं भी नाम नहीं लूंगा कौन को लगा, आप सब जानते हैं अचानक कौन उभर के आ गए, कौन लोग हिंदू हृदय सम्राट बन गए अभी पिछले 2-3 सालों में, और 2014 के बाद भी कुछ नए नए उभरे। वाह भैया क्या बोल रहे हैं, क्या कविता कही है। अभी इनके आप वीडियो सेव करके रखिए। सत्ता परिवर्तित यदि हो जाती है केंद्र में या राज्य में, योगी मोदी जी हट जाते हैं, फिर इनका कंटेंट देखिएगा कैसे सनातनी देवी देवता कंगना राणावत तो अभी से देना चालू कर दी। थोड़ा अपनी बुद्धि का प्रयोग करो, सनातन धर्म की यदि इज्जत करना है तो अपने आदर्शों का सही चुनाव करो, अपने देवी देवताओं को अपमान से बचाना है तो सही लोगों को अपने नायक और नायिका बनाओ। धन्यवाद।